अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल तड़फ़ान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो डेली आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, इन्जॉय भी करते हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों के कॉमेंट्स से पता चल रहा होता है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बट आज आपको व्लॉग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज आपको मेरा वीडियो मिलेगा मुलाजमा के ऊपर। और ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो मुलाजमा या पिगमेंटेशन से सफ़र कर रही हैं, और ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द हजरात भी हैं जो कि मुलाजमा या पिगमेंटेशन से सफ़र करें मगर उनको सही तरह से ट्रीटमेंट मालूम नहीं है। अच्छा, मुलाजमा जो है, मुलाजमा या पिगमेंटेशन, इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से मुलाजमा हो सकता है, सन एक्सपोजर की वजह से मुलाजमा हो सकता है, इसके अलावा स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स यूज़ करने की वजह से मुलाजमा हो सकता है। मतलब डिफरेंट रीजंस इसके होते हैं। इसका सही ट्रीटमेंट क्या है, आज हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। इसकी कॉजेस पर मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि वो ऑलमोस्ट सभी को पता है। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं होम रेमेडीज़ या घरेलू टोटकों की तरफ, ठीक है। तो कोई भी होम रेमेडी, कोई भी घरेलू टोटका आपके मुलाजमा को ख़त्म नहीं कर सकता। ये मैं बात इतनी गारंटी से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद 10-12 साल से मुलाजमा से सफ़र कर रही हूँ। जब से मुझे हाइपोथायराइड डायग्नोज हुआ तब से मैं मुलाजमा से सफ़र कर रही हूँ। और आप लोग सोचें कि मैंने क्या होम रेमेडी या क्या टोटका मैंने ट्राई नहीं किया होगा, लेकिन सब होम रेमेडीज़ आर क्वाइट यूजलेस ऑन योर मुलाजमा। सो आपको ये होम रेमेडीज़ या टोटकों की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई आपको कहता है कि राइस वाटर लगा लें या ये जड़ी बूटी लगा लें या उपटन लगा लें, बेसन लगा लें, भाई कोई भी चीज़ आपके मुलाजमा को ठीक नहीं कर सकती, ठीक है। ये तो मेरी गारंटी है ना, मैं इसके बारे में इतनी श्योर हूँ कि मैं शायद आपको बयान नहीं कर सकती, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। अच्छा, ट्रीटमेंट जो है ना, वो काफ़ी यूट्यूबर्स ने इसका ऑलरेडी बताया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई डिफरेंट चीज़ बता रही हूँ, लेकिन एक गलती उन्होंने ये की है कि उन्होंने इसका तरीका इस्तेमाल सही से नहीं बताया। तो आज मैं आपको प्रॉपर मेडिकेशन बताऊँगी और इसका जो प्रॉपर तरीका इस्तेमाल करने का वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई अपनी तरफ से बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 10-12 साल से इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि मुलाजमा को किन चीज़ों से ठीक किया जा सकता है। अच्छा, मुलाजमा को हम बिल्कुल इरेडिकेट नहीं कर सकते, बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि कोई लेज़र ट्रीटमेंट लेने से या क्रीम्स लगाने से हमारा मुलाजमा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। मुलाजमा को आप लाइटन कर सकते हैं, काफ़ी हद तक लाइट हो जाता है। जैसे अभी मेरे फेस पर आप देखें कि माशाल्लाह इतना लाइटन है कि मैं हल्की सी बेस लगाती हूँ तो वो सारा कवर हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज लोगों को तो इतना डार्क मुलाजमा होता है कि वो 2-3 तरह की बेस लगाते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, फिर भी उनका मुलाजमा कवर नहीं होता। तो मुलाजमा को हम लाइटन कर सकते हैं, अपने फेस के कम्प्लेक्शन को बेहतर कर सकते हैं, बस यही कुछ हम कर सकते हैं। और ये जो इसकी मेंटेनेंस है ना मुलाजमा की, ये हमें थ्रू आउट आवर लाइफ करनी पड़ती है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना चाहते हैं तो नंबर वन बात के ट्रीटमेंट हर कोई अफोर्ड नहीं करता, लेकिन मुलाजमा के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो मीजोथेरेपी है। उसके बारे में मैं बात इसलिए नहीं करी कि वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है और हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इवन मेजोथेरेपी के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि आपका मुलाजमा वापस नहीं आएगा। आप मेजोथेरेपी करा लें, आप क्रीम्स लगा लें, मुलाजमा वापस आएगा ही आएगा, लेकिन इससे आपने डरना नहीं है, ठीक है। ये इसकी मेंटेनेंस होती है जो पूरी लाइफ चलती है, ठीक है। जैसे कि मैं मेंटेनेंस पर रहती हूँ, हर 3-4 माह के बाद मेरा विजिट होता है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। आप लोग शायद यकीन नहीं करेंगे लेकिन पिछले 10 साल से मेरी यही रूटीन है। हाँ, कभी हो जाता है, कोई घर के काम हो जाते हैं या मेरी खुद की सुस्ती हो जाती है तो मैं 3-4 माह के बाद नहीं जा पाती, तो फिर मैं थोड़ा सा और गैप ले लेती हूँ, लेकिन 6-7 माह के बाद मैं ज़रूर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ, क्योंकि जो ट्रीटमेंट्स मैं यूज़ कर रही होती हूँ वो लॉन्गर पीरियड के लिए यूज़ नहीं किए जा सकते। फिर उनको क्विट करना पड़ता है, फिर दोबारा जाना पड़ता है और दोबारा मज़ीद मेडिकेशन लेनी पड़ती है। इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ में नहीं पढ़ना चाहते तो सिंपल सी मेडिकेशन है मुलाजमा के लिए जो मैं आज आपको बता रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर मैं एक बात कहना बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि अगर आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा बेहतर समझते हैं और ट्रीटमेंट भी उन्हीं के पास है। मैं हूँ या कोई भी यूट्यूबर, हम आम से लोग हैं, हमारे पास उतना नॉलेज नहीं है,
हमारे पास उतना एक्सपोजर नहीं है, हमने उतना पढ़ा नहीं है जितना एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नॉलेज होता है या जितनी उनकी एजुकेशन होती है. हम आपको बता रहे होते हैं जो हमने खुद एक्सपीरियंस किया होता है. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक एक्सक्यूज़ करना चाह रही थी कि मेरे बैकग्राउंड से आपको बहुत ही डिस्टर्बिंग नॉइज़ आ रहा होगा दरमियान में बार बार. प्लीज़ उसके लिए मुझे एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ वाले घर में हो रही है कंस्ट्रक्शन और मैं काफ़ी देर से वेट कर रही हूँ कि ये लोग बंद कर दें, लेकिन ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन है वो तो बंद नहीं हो सकती. तो मैंने सोचा कि वीडियो तो मैंने डालनी है, तो मैं इसको पोस्टपोन नहीं कर सकती. तो खैर, जो भी नॉइज़ वगैरह आ रहा है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा. एनी हाउ, चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ. अच्छा, इस ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहली जो ट्यूब है या क्रीम है वो है इस नाम से, फ्लाइट्रो है. मेरा ख्याल है कि आपको कैमरा में उल्टा नज़र आ रहा होगा, तो मैं इधर या इधर पिक्चर डाल दूँगी ताकि आपको क्लियरली पता चल सके. ये फ्लाइट्रो क्रीम है और इसमें बेसिकली तीन सॉल्ट्स या तीन केमिकल्स हैं. नंबर वन इज ट्रेटिनोइन, जो कि विटामिन ए की फॉर्म है. नंबर टू इज हाइड्रोक्विनोन, जो कि एक लाइटनिंग एजेंट है और स्किन इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट लाइटनिंग एजेंट माना जाता है. थर्ड वन इज फ्लोसिनालोन, जो कि एक स्टेरॉइड है. ठीक है. और बहुत ही मिनिमम अमाउंट में ये इस क्रीम में मौजूद होता है. हर क्रीम में ना हाइड्रोक्विनोन की डिफरेंट क्वांटिटी होती है. जैसे इसमें 4% है, आई डोंट नो अब आप जो यूज कर रहे हैं तो उसमें हाइड्रोक्विनोन कितनी परसेंटेज में होगी. ठीक है. इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप लोग यही क्रीम यूज करें. 150 रुपए की ये क्रीम है और 15 ग्राम्स की ये ट्यूब है. अच्छा, ये जो ट्रीटमेंट है ये आपने रात में करना है. ये क्रीम जो है ना, ये आपने रात में लगानी है, ये आपने दिन में नहीं लगानी. जब आपको यकीन हो जाए कि अब आपने चूल्हे पर कोई काम नहीं करना रात को, जब आप फ्री हो जाएं, तब आपने ये क्रीम लगानी है. और इस क्रीम को लगाने का तरीका ये है कि आपने सिर्फ दो मटर के दाने आपने ले लेने हैं. यहाँ पर जैसे कि मैं ले रही हूँ, ये देखिए, ये एक दाना और ये दूसरा दाना. दो मटर के दाने के बराबर ये क्रीम आपने लेनी है. ये देखें, जिस तरह मैंने यहाँ पर ली हुई है, बस ये इतनी ही आपने लेनी है. और उसके बाद आपके फेस पर जहाँ जहाँ मिलाजमा है, ये मटर के दाने से आपने क्रीम लेते जाना है. और अच्छी तरह से आपने जहाँ जहाँ आपको मिलाजमा है ना, वहाँ वहाँ आपने अप्लाई करते जाना है. अच्छा, एक वीडियो में मैं सुन रही थी कि एक हमारी यूट्यूबर है, वो ये बता रही थी कि ये क्रीम लेकर ना आपने, उन्होंने क्वांटिटी भी नहीं बताई, उन्होंने कहा बस क्रीम आपने लेनी है और आपने एक लेप करके ना ऐसे लेप करके छोड़ देना है. नहीं, इस तरह आपने बिल्कुल भी नहीं करना. ठीक है. जितना भी मिलाजमा आपके मुंह पर है, सिर्फ आपने ये दो मटर के दाने लेने हैं और इन्हीं दो मटर के दानों पर जहां जहां आपके मिलाजमा के पैचेस हैं या आपको पिगमेंटेशन है, वहीं वहीं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी इक्वल अमाउंट में आपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेनी है. ठीक है. उसके बाद आपने क्या करना है कि पहले दिन आपने ये क्रीम अप्लाई करनी है 10 मिनट के लिए. ठीक है. 10 मिनट के बाद आपने ये क्रीम वॉश कर देनी है. अगले दिन फिर आपने ये क्रीम अप्लाई करनी है 20 मिनट्स के लिए और 20 मिनट्स के बाद आपने ये क्रीम वॉश कर देनी है. थर्ड डे आपने ये क्रीम अप्लाई करनी है 30 मिनट के लिए और फिर 30 मिनट बाद आपने वॉश कर देनी है. नेक्स्ट डे आपने ये क्रीम अप्लाई करनी है 1 घंटे के लिए और फिर आपने ये वॉश कर देनी है. उससे नेक्स्ट डे आपने ये क्रीम अप्लाई करनी है 1.5 घंटे के लिए, फिर वॉश कर देनी है. और इस तरह बढ़ाते बढ़ाते आपने इसको 3 आवर्स पर ले जाना है. ठीक है. 3 आवर्स पर जब आप पहुंच जाएं तो आपने फिर इसको 3 आवर्स के लिए ही अप्लाई करना है. और कब तक अप्लाई करना है? जब तक आपको लगे कि आपका मिलाजमा लाइटन नहीं हो गया, आपने इस क्रीम को अप्लाई करते रहना है. मैक्सिमम आपने इसको 2 मंथ्स के लिए अप्लाई करना है, बस इससे ज़्यादा आपने इसको अप्लाई नहीं करना. 2 मंथ्स के बाद आपने इस क्रीम को रोक देना है और फिर आपने सिर्फ कोई भी ब्राइटनिंग क्रीम यूज़ करनी है. ठीक है. उसके बाद फिर अगर आपको फील होने लगे कि मिलाजमा आपका डार्क होने लग गया, जैसे 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, वैसे तो इतनी जल्दी मिलाजमा डार्क नहीं होता अगर आप कोई ब्राइटनिंग क्रीम यूज करते रहते हैं और साथ में सनब्लॉक यूज करते रहते हैं. ठीक है. इतनी जल्दी डार्क नहीं होता, लेकिन अगर आप लापरवाही करते हैं, सनब्लॉक नहीं यूज करते हैं, तो फिर आपका मिलाजमा दोबारा से डार्क हो सकता है. जब आपको फील हो तो फिर आप ये यूज करना शुरू करते हैं. इसको लगाने के बाद आपने धूप में नहीं निकलना, इसको लगाने के बाद आपने चूल्हे पर नहीं जाना. तो ये इसकी एहतियातें हैं. अच्छा, ये जो फ्लाइट्रो क्रीम है ना, आपने इसको इसके प्रोटोकॉल्स के साथ फॉलो करना है. अगर आप इसको इसके प्रोटोकॉल्स के साथ अप्लाई नहीं करेंगे ना, तो
तो फिर ये आपको फायदा देने की बजाय नुकसान भी दे सकती है। अच्छा, दूसरी चीज जो हमने अपने मिलाजमा या पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट के लिए यूज करनी है, दैट इज अ ब्राइटनिंग क्रीम। इसकी भी मैं पिक्चर इधर या इधर डाल देती हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आ सके। ये इस क्रीम का नाम है रेडियंट स्किन ब्राइटनिंग क्रीम। इसमें मैप है, मैप मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट, दैट इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन सी। इसके अलावा इसमें है लिकोराइस, और थर्ड वन इसमें है जी अल्फा आर्बुटिन। बहुत ही बेस्ट क्रीम, बहुत ही बेस्ट ब्राइटनिंग क्रीम है। अच्छा, इस क्रीम को आपने दिन में भी अप्लाई करना है, मतलब सुबह आप उठते हैं, फेस वॉश करते हैं ना, तो आपने ये क्रीम अप्लाई कर लेनी है, ठीक है। और रात में भी आपने इस क्रीम को सोने से पहले अप्लाई करना है। दिन में आपने ये करना है कि जब आपने, मतलब सुबह आप उठते हैं ना, आपने अपना फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद आपने ये क्रीम अप्लाई कर लेनी है, और क्रीम अप्लाई करने के बाद सनब्लॉक, इसकी भी पिक्चर मैं क्लियर इधर लगा देती हूँ, ठीक है। ये वाला सनब्लॉक, ये जेनफार्म का सनब्लॉक है, स्पेक्ट्रा मैट सीबम कंट्रोल सनब्लॉक SPF 40। अच्छा, उसके बाद रात में जब आप ये क्रीम अप्लाई करेंगे ना, ऑब्वियसली तब तो आप सनब्लॉक नहीं लगाएंगे। सनब्लॉक के हवाले से एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनको सनब्लॉक लगाने से बहुत मसला होता है, वो नई सनब्लॉक यूज करना चाहते हैं। अगर आप सनब्लॉक नहीं यूज कर सकते तो मेरा मशवरा है आप ये ट्रीटमेंट भी ना करें, ठीक है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट सनब्लॉक के बगैर हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोगों को ना सनब्लॉक की अहमियत के बारे में पता ही नहीं है। ये जो आपका मिलाजमा है, या असल में आपका मेलानिन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही होती है, और ये जो फ्लाइट्रो क्रीम है, इसने आपकी मेलानिन प्रोडक्शन को कम नहीं करना, आपकी जो मेलानिन प्रोडक्शन होगी ना, वो आपके सनब्लॉक की वजह से कम होगी। तो अगर आप सनब्लॉक नहीं यूज करना चाहते, फिर आप ये ट्रीटमेंट भी ना करें, आपको जरूरत नहीं है। सनब्लॉक, बहुत सारे लोगों को उलझन होती है कि नहीं सनब्लॉक नहीं लगाना, पसीना आ रहा है, उलझन होती है यार। ये जो सनब्लॉक है ना, ये वाला सनब्लॉक, मेरी गारंटी पर आप लोग ये वाला सनब्लॉक यूज करो, लिटरली आप लोगों को किसी किस्म की ना कोई उलझन होगी, ना कोई प्रॉब्लम होगी, ना कोई पसीना आएगा, कुछ भी नहीं होगा। बल्कि आप इस सनब्लॉक के साथ इतने कंफर्टेबल हो जाओगे ना कि फिर आपको आदत हो जाएगी, फिर आप सनब्लॉक के बगैर रह ही नहीं पाओगे। ये मैं आपको गारंटी दे रही हूं, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो आप ये वाला सनब्लॉक स्टार्ट करो यूज करना। ये भी मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया था। अच्छा, अब इसकी प्राइस जो है ना, आई थिंक वो है 2000 के करीब करीब है, 1800-2000, इस तरह से इसकी प्राइस है। सनब्लॉक मस्ट है। अच्छा, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि सनब्लॉक भर भर कर लगाना चाहिए, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार लगा लें वो भी बहुत है, ठीक है। अगर आप घर में हैं, आपका कहीं बाहर जाना नहीं हो रहा, कोई सन एक्सपोजर नहीं है, एक बार लगा लें वो भी बहुत है। हाँ, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर से निकलने से 20 मिनट पहले आपने सनब्लॉक लगाना है, ताकि वो अपना वर्क शुरू कर दे और आप बाहर निकलें तो आपको सन से प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है। अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो दरमियान में कोशिश करें कि 3-4 घंटे के बाद आप दोबारा से सनब्लॉक अप्लाई कर लें। जैसे कुछ खवातीन जॉब पर होती हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि फिर वो 3-4 घंटे के बाद सिर्फ एक बार, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बार वो सनब्लॉक अप्लाई कर लें। अच्छा, फिर कुछ लोग बताते हैं कि जी यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी फिंगर जितना, या ये दो फिंगर जितना आपने सनब्लॉक यूज़ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी क्वांटिटी में आप कंफर्टेबल हैं उतनी क्वांटिटी में यूज़ करें, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक। तो बस ये है टोटल ट्रीटमेंट मिलाजमा या पिगमेंटेशन का जो आपने करना है, और लिटरली मेरी गारंटी है कि एक महीने बाद आपको अपना मिलाजमा खुद आप अपनी आंखों से लाइटन होते हुए देखेंगी। मैं फिर कह रही हूँ, ये इरेडिकेट नहीं होगा, ये ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये इतना हल्का हो जाएगा कि विजिबल ही नहीं होगा, इतना हल्का हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ अपने आप को और इस ट्रीटमेंट को एक महीना दें। एक महीने बाद आप लोगों ने मुझे इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट करके बताना है कि आपका मिलाजमा कितना हल्का हुआ है, और उसके बाद फिर आपने, अगर आप समझती हैं कि अभी मज़ीद आपको है तो आप एक महीना और यूज़ कर लें। बस 2 महीने बाद आपने इसको ख़त्म कर देना है। फिर जस्ट आपने कोई भी ब्राइटनिंग क्रीम, जैसे ये ब्राइटनिंग क्रीम है, या एक और मैंने अलूर ब्राइटनिंग क्रीम बताई हुई है, आप वो लेकर और जस्ट अपनी ब्राइटनिंग क्रीम बट विद सनब्लॉक वो आप यूज़ करती रहें, ठीक है। यही मिलाजमा का ट्रीटमेंट होता है, इसी तरह आपने इसको पूरी लाइफ लेकर चलना होता है। अच्छा, तो आज एक चैनल को मैं शाउट आउट दे रही हूँ। चैनल का नाम है फिटनेस गोल्स बाय डॉक्टर सानिया। डॉक्टर सानिया
एक बहुत ही अच्छी और कॉम्पिटेंट डॉक्टर है. शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए उन्होंने ये चैनल बनाया है. जो हमारे छोटे मोटे मसले होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, यूरिक एसिड हो गया, इसके अलावा हज़ारों मसाइल होते हैं ना, तो उनको वो एड्रेस करती हैं ताकि घर बैठे बिठाए आपको पता चल सके कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपने उसको ट्रीट कैसे करना है. इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे डाइट प्लान्स भी वो देती हैं. डाइट के बारे में बताती हैं कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपने कौन सी डाइट यूज़ करनी है, अगर आपको यूरिक एसिड का इशू है, आपको शुगर है, तो आपने कौन सी डाइट यूज़ करनी है. तो मैं चैनल का लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाएं उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, उनको ज़रूर बताएं कि आप मेरे रेफरेंस से आए हैं. तो बस ये था मेरा आज का वीडियो. आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें. अगर आप आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लें. अपना ख्याल रखें. अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है तो वो भी आपने कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बतानी है. बट ये मैं आपको बता रही हूँ कि क्योंकि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ तो आपके जो भी कंसर्न्स होंगे वो मैं अपने किसी ना किसी व्लॉग में डाल दिया करूंगी, या फिर अगर कोई बड़ा स्किन इशू होगा तो फिर उसके ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बना दूंगी. वो देखेंगे कि किस तरह मैनेज करना है. तो बस अपना ख्याल रखें. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.